जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आए हैं अपनी साइट पर जहाँ पर हमारा वायरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर हमने वायर पहले से ही डाल रखे हैं। यहाँ पर हमें कंसील्ड को फिक्स करना है, बोर्ड को फिक्स करना है, और यहाँ पर हमने कंसील्ड फिक्स कर दी हैं और ऑलरेडी यहाँ पर फ़ैन के लिए न्यूट्रल और हाफ वायर छोड़ दिए। इस कमरे में न्यूट्रल और हाफ वायर छोड़ दिए है, कंसील्ड बन चुकी है। इसके बाद चलते हैं किचन। यहाँ पर हमारा एक पाइप ब्लॉक हो गया था, इसके लिए यहाँ पर हमें केसिंग कैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमने 6 मॉडल 8 मॉडल का बोर्ड दिया है जो पावर सॉकेट लगेगा। और इसके बाद हम चलते हैं बाथरूम में, बाथरूम की तरफ। इसमें हमारा गीज़र का कनेक्शन होगा और समरसेबल का कनेक्शन भी होगा, क्योंकि जो समरसेबल का पैनल है वो कस्टमर ने अंदर की डिमांड की है कि बाथरूम के अंदर ही लगेगा। इस वजह से इसका जो कनेक्शन होगा वो अंदर से ही होगा। इसके बाद में MCB बॉक्स के बाहर हमारे सारे वायर आ चुके हैं, जो पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो यहीं पर होगा। MCB बॉक्स जितनी भी MCB हैं घर की यहीं पर लगेंगी। तो ये पूरे यहाँ से वहाँ तक जितने भी हमने रूम हैं, 2 3 4 5 रूम हैं, उनकी सारी MCB यहीं पर लगेगी। तो एक रूम इस तरफ है और पीछे साइड भी हैं, वो उनके सारे वायर यहाँ पर हमने ले आए। पाइपिंग ऊपर किसी और ने की थी, इस वजह से हमें एक ही पाइप में सारे वायर लाने पड़े। और हमने इस वायर को सबको खोल लिया है, जो गांठ इसमें से बांधी गई थी वो सबको खोल लिया है। और जितने भी पीले और सफ़ेद वायर है ये हमारे हाफ वायर हैं, और रेड वाला बेस का है, और इसी में से एक वाइट हमारा इन्वर्टर का है, और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल है, और ब्लू वाले भी गीज़र का पॉइंट है और किचन का पॉइंट भी है वहाँ पे। और ये हमारा तैयार हो गया है, या मैंने लगा दिया है बोर्ड यहाँ पर कनेक्शन करके, ये बोर्ड लग गया है। MCB बॉक्स हमने लगा दी है और हमने पूरी सप्लाई दे दी है और चेक कर लिया है कि हर लाइट सही से जल रही है या नहीं जल रही है। सब कुछ चेक करने के बाद में हम एक बार पूरे कमरों में एक बार फिर से चेक करेंगे एक एक लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। तो हम आ गए हैं इस पहले कमरे में जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी सारी कंसील्ड अच्छे से जल रही हैं और यहाँ पर लाइन अच्छे से आ रही है और हमारा इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है, और जो दीवार पर लाइट भी लगी हैं वो भी सही से जल रही हैं। फ़ैन हमें बाद में लगाना है। इसके बाद हम चलते हैं किचन की ओर। किचन में जाकर हम देखते हैं सारी लाइटें हमारी जल रही हैं। यहाँ पर आकर देखा तो सारी लाइटें भी जल रही हैं और इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है। पावर सॉकेट इस तरफ हमने लगाया है, मिक्सी चलाने के लिए पावर सॉकेट लगाया है, फ्रिज के लिए एक 3 मॉडल का बोर्ड अलग से लगा हुआ है, यहाँ पर केसिंग कैपिंग के लिए भी हमने लगा दी है। यहाँ पर फ़ैन का पॉइंट हो जाएगा अगर फ़ैन लगाना चाहते हैं तो। और ये हमारा एक बोर्ड भी खुला हुआ है जिसमें से लाइट देखना है, लाइट कौन सा है, फ़ैन का कौन सा है। तो इसमें हमने स्विच दबा कर देखा तो इसमें से कंसील्ड लाइट हमारी सारी जल रही हैं। ये देखिए सब वायर लगे हुए हैं, एक बार हमने टच करके देखा है तो कंसील्ड लाइट हमारी जल रही है। फ़ैन अभी लगा नहीं है, तो फ़ैन का चेक करके फ़ैन का वायर हम रेगुलेटर से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा अंदर का रूम है, ये हमारी कंसील्ड सारी जल रही हैं। ये हमारा 12 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है, कंसील्ड फ़ैन और दीवार की लाइटें इन्हीं से कंट्रोल होगी सब। और ये रहा घर का ओवरव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।